आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गेम बना करके पैसे कैसे कमाएं। अगर आपका सोल पर्पस गेम बना करके पैसे कमाना है, यानी कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो बस गेम बना करके उससे पैसे कमाना चाहते हैं और एक जो अपने मन के आइडिया को गेम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप मन के आइडिया वाले हो तो फिर आपके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा फिर कभी, यानी कुछ दिन में। और ये वीडियो है कि अगर आप अपने गेम बना करके उससे पैसे कमाना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा वो आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जैसे कि हो सकता है कई लोगों को ना पता हो कि गेम पैसा कैसे कमाता है। तो गेम पैसा कुछ तरीकों से कमाता है। एक, जब आप गेम कोई खेलते हो तो उसमें आप देखते हो कि नीचे बैनर में या फिर पूरा फुल स्क्रीन में ऐड आता है, तो वो ऐड दिखा करके गेम पैसे कमाते हैं। इंडिया में खास करके ये तरीका बहुत चलता है क्योंकि इंडिया वाले गेम में परचेज नहीं करते। अच्छा, दूसरा तरीका बताता हूँ तब आप कंपेयर कर पाओगे। दूसरा तरीका जिससे गेम डेवलपर या फिर गेम का ओनर पैसे कमाता है वो है कि आप गेम के अंदर किसी लेवल को अनलॉक करने के लिए कुछ परचेज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पबजी में क्या होता है कि आपको आरपी होती है, आई थिंक उसे परचेज करना पड़ता है नए नए कपड़े लेने के लिए, और उसके लिए आपको 750 रुपये देने पड़ते हैं। मैं पर्सनली एक इंसान को जानता हूँ जो 21 से 22 हज़ार के आसपास पबजी में लगा चुका है। तो लोग होते हैं जो गेम में बहुत तगड़ा खेलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घुसे हुए होते हैं, तो वो उसमें पैसे लगाते हैं। पर गेम में परचेज़ बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग। जब तक कि आपका गेम पबजी के लेवल का ना हो या फिर मतलब तगड़ा गेम ना हो, तब तक कोई उसे परचेज करेगा नहीं। तो सबसे बेटर जो मुझे लगता है, अगर आप सिर्फ पैसे कमाना चाहते हो गेम बना करके, तो सबसे बेटर तरीका जो मुझे लगता है कि आप गेम में ऐड लगा दो और गेम को फ्री दे दो। लोग गेम फ्री में खेलेंगे और जब उन्हें ऐड दिखेगा तो उस ऐड से आपको पैसा मिलेगा। पैसा कहाँ मिलेगा? गूगल के पैसे जितने भी आते हैं, जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट से पैसा आपके एडसेंस में जाएगा। गूगल की एक पेमेंट सर्विस है एडसेंस, जहाँ से वो सारे डेवलपर या फिर कंटेंट क्रिएटर को पैसे देता है। तो अगर आप गेम बनाते हो तो गेम में आप जो ऐड लगाओगे वो एडमॉब से लगाओगे, फिर एडमॉब का पैसा एडसेंस में जाएगा और एडसेंस से आपके बैंक में आएगा। मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, मेरे पैसे यूट्यूब पर जाते हैं, फिर यूट्यूब से एडसेंस में जाते हैं, फिर एडसेंस से बैंक में आते हैं। आपकी वेबसाइट है तो पैसे एडसेंस में जाएंगे, फिर एडसेंस से बैंक में आएंगे। इवेंचुअली जो पैसे हैं वो एडसेंस से ही होके आते हैं। तो जब आप अपने गेम में ऐड दिखाओगे तो एडसेंस के थ्रू आपके पास पैसे आएंगे। अब दूसरा सवाल आता है कि भैया पैसे कितने मिलते हैं? तो मैं आपको एक हायरार्की बताता हूँ कि सबसे कम पैसे मिलते हैं यूट्यूब पे, ठीक है? लेकिन यूट्यूब पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कंपैरेटिवली इजी होता है वीडियो बनाना, बस कैमरा ऑन करना है और जो भी मन में है उसे बोल देना है। कम पैसे हैं पर ट्रैफिक ज़्यादा है, लोग ज़्यादा देखते हैं। दूसरा है वेबसाइट, यूट्यूब से ज़्यादा कमाई होती है वेबसाइट में। वेबसाइट में भी साइड साइड में ऐड दिखते हैं तो उसके पैसे मिलते हैं। उसमें ऐड थोड़े से महंगे होते हैं, उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, पर वेबसाइट में काम करना कंपैरेटिवली हल्का सा हार्ड है क्योंकि आपको बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, और उससे भी ज़्यादा हार्ड है गेम बनाना। गेम यानी एक तरीके का ऐप, वो हार्ड है पर उसमें पैसे और अच्छे हैं। ऐप में जब भी आप बैनर में ऐड देखते हो या फिर फुल स्क्रीन ऐड देखते हो तो वो काफ़ी महंगे ऐड होते हैं। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको 100 लोगों को ऐप में या गेम में ऐड दिखता है और 1000-2000 लोगों को वीडियो पे ऐड दिखता है मेरे यूट्यूब के वीडियो पे, तो लगभग सेम प्राइस आएगा। तो सबसे अच्छा होता है कि अगर आप डेवलपमेंट में हो, आपको ऐप बनाना आता है, तो बेटर है कि आप खुद से ऐप बना करके प्ले स्टोर पे डालो। पर मैं ये वीडियो गेम के बारे में क्यों बना रहा हूँ, ऐप के बारे में क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि एक इंसान के फ़ोन में कुछ लिमिटेड ही ऐप्स होते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक, यही कुछ लिमिटेड ऐप होते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर ऐप वो इंसान रखता नहीं है अपने फ़ोन में। पर गेम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान अपने फ़ोन में रख लेता है, प्लस लगभग लगभग डेली उस ऐप को, उस गेम को खोलता भी है। क्योंकि अगर आप ऐप बनाते हो तो आपके ऐप में कुछ ऐसा होना चाहिए कि इंसान उसे हर दिन खोले, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार खोलेगा उतनी ज़्यादा ऐड दिखेंगे और आपकी कमाई उतनी ज़्यादा होगी। और ऐड दिखा करके पैसे कमाने के लिए सबसे सही है गेम, मुझे पर्सनली लगता है। और मैंने कई लोगों से बात की है जो गेम ऐसे ही बनाते भी हैं, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तरीका बहुत सिंपल है, आपको अगर गेम बनाना नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग हैं जिनको गेम बनाना आता है। आपको क्या करना है कि उनसे सोर्स कोड को परचेज कर लेना है। सोर्स कोड क्या होता है इसको भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ऐसा समझो आप कि जब किसी ने व्हाट्सएप का कोड लिखा होगा, व्हाट्सएप ऐप का कोड लिखा होगा, उसकी कोडिंग की होगी और बाद में उसका अपडेट आया होगा। आप देखते हो हर 10-15 दिन में व्हाट्सएप का अपडेट आ जाता है,
तो बाद में जब व्हाट्सएप का अपडेट आया होगा तो जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बेसिक से पूरे व्हाट्सएप को तो कोड किया नहीं होगा, उन्होंने कोड लिख के रखा होगा, उसी में थोड़े बहुत बदलाव किए और उसका नया वर्जन रोल आउट कर दिया। तो गेम में भी यही होता है कि उसके सोर्स कोड होते हैं। मान लीजिए किसी ने गेम बनाया और गेम को तो अपलोड कर दिया, पर उसके सोर्स कोड को वो बेच करके और पैसा कमाना चाहता है, तो आप उससे सोर्स कोड परचेस कर लो और उसमें थोड़े मोड़े बदलाव कर दो। जैसे वही है कि मतलब महेश का नाम सुरेश कर दिया, इस सब टाइप का, मतलब कि थोड़ा सा आपको कुछ बदलाव करने, जो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको गेम का आइकॉन चेंज कर देना है, जो उसकी फ़ोटो होती है, ऐप की जो फ़ोटो होती है वो चेंज कर देनी है, ऐप का नाम चेंज कर देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऐप का पैकेज नेम चेंज कर देना है। क्योंकि एक पैकेज नेम से दो गेम या दो कोई भी दो ऐप प्ले स्टोर पर नहीं हो सकते, तो आपको अपना एक यूनिक पैकेज नेम बनाना है। पैकेज नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम सौरभ मौर्य है, तो फॉर एग्जांपल मैं अपने गेम का पैकेज नेम बना देता हूँ com.sauravmaurya.game या फिर saurabh.maurya.app। कुछ भी आपको एक पैकेज नेम बना देना है जो यूनिक हो। जैसे हमारी सबकी ईमेल आईडी यूनिक होती है, वैसे ही पैकेज नेम यूनिक होना चाहिए। और आपको गेम में अपना जो ऐड है, ऐड में आपका ऐड कोड उठाना है, गेम में अपना ऐड कोड डालना है पिछले वाले का बदल करके, और गेम रेडी हो गया। इसे प्ले स्टोर पर डाल दीजिए, इसका ऐड चला दीजिए और ऐड चलेगा, लोग डाउनलोड करेंगे, खेलेंगे गेम। गेम थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने भी एक गेम परचेज़ किया है जो मैं जल्दी ही बना करके रोल आउट कर दूंगा, रोल आउट इन अ सेंस ऐड से प्ले स्टोर पर डाल दूंगा, और देखते हैं उसका एक्सपेरिमेंट कैसा होता है। जैसा भी रहेगा वो गेम कैसा रहेगा, कितने लोग डाउनलोड करते हैं, कितनी अर्निंग होती है, मैं उन सब पे वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि गेम में पैसा है या नहीं है, और है तो कितना है। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि पैसे हैं गेम में, और अच्छे खासे पैसे हैं अगर आपके गेम को आप ऐड चला दे तो। जैसे फेसबुक और इंस्टा पे आजकल गेम के बहुत सारे ऐड चलते हैं, हो सकता है आप इंस्टाग्राम चलाते होगे तो आपको स्टोरीज पे गेम के ऐड दिखते होंगे, वो एक्चुअल में यही होते हैं। तो मैंने गेम का कोड परचेज कर रखा है जिसमें मैं अभी थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा हूँ, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइटें हैं जहाँ पर आप गेम या ऐप के सोर्स कोड को परचेज कर सकते हो, पर मुझे पर्सनली ये कोड कैनियन ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैंने इसी में परचेज किया और मुझे अच्छी लगती है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कोड मिल जाते हैं। तो मैं आपको अपने डाउनलोड्स में जाके दिखाता हूँ जो मैंने बाई किए हुए हैं। ये हेलिक्स फ्रूट का एक गेम है जो मैं कुछ दिन में प्ले स्टोर पर डालूंगा और देखता हूँ इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, कैसे आता है, लोग डाउनलोड करते हैं कि नहीं, खेलते कि नहीं। इसके मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ किस टाइप का गेम है, और इसका प्राइस है समथिंग अराउंड $14 और लगभग $1-2 के आसपास इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में कट जाते हैं। तो $14 है, पर एक्चुअली 1400 रुपये लगे थे मेरे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि मैं इतने पैसे इसमें से कमा लूँगा। ये कुछ इस टाइप का गेम है कि इसमें एक बॉल है वो फ्रूट में ऐसे गिरानी, और ये जो हमें कांच टाइप का दिख रहा है इस पर अगर गिर गई तो आप हार जाओगे और नीचे ऐड दिखेगा। बेसिकली बहुत ही सही है, आप जब 1-2 लेवल खेलोगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसका आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसका डेमो देख लेना, डेमो ऐप APK डाउनलोड करके। गेम अच्छा है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। अगर आप भी बनाना चाहते हो तो आप इसी से शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस गेम को परचेस करो और उसके बाद आप इसे हल्का सा एडिट करके, एडिट किस में करना है, यूनिटी में करना है। गेम्स डेवलप होते हैं यूनिटी में, और भी सॉफ्टवेयर्स हैं पर ज़्यादातर यूनिटी में डेवलप होते हैं, तो आप उसमें कर सकते हो और उसके बाद एडिट करके अपलोड कर सकते हो। अब इसके मैं और स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, टूटता भी है ये, जैसे आप बहुत मतलब कि आप खेलोगे तो समझ जाओगे, मुझे पर्सनली अच्छा लगा ये गेम। ठीक है, तो ये गेम है। ये एक और गेम है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पर मैं इसे अभी नहीं कर रहा हूँ, इसे मैं थोड़े टाइम बाद प्ले स्टोर पर डालूंगा, पर ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपको साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या पता आप भी इसे अगर यूज़ करना चाहो, लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है एडिक्टिव गेम है, और गेम की यही खासियत होती है कि अगर वो एडिक्टिव हो और यूज़र को हर 10-15 मिनट बाद या जब भी वो खाली हो खेलने लग जाए तो इनकम बहुत तगड़ी हो जाती है। अब देखिए, इस गेम में भी बना हुआ है कि यूनिटी में गेम ओपन होगा, एड मॉप पे आप लगा सकते हो, एंड्रॉयड पे, एप्पल पे, जिसके लिए भी आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहो कर सकते हो। यूनिटी में कैसे गेम को क्रिएट करते हैं, यानी क्रिएट इन द सेंस कैसे एडिट करते हैं, अगर आपको उसका एक वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं अपने गेम को बनाते हुए ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा और आपके साथ शेयर कर दूंगा। इन केस अगर आप मेरे ही साथ प्ले स्टोर पे गेम को डालना चाहते हो तो आप ये काम कर सकते हो। इसकी जर्नी मैं आपको पूरी दिखाता रहूँगा। सॉरी, मैं हिंदी से हूँ पर पता नहीं कैसे मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप रेफर एंड अर्न करके 100 रुपये कमाना चाहते हो तो ग्रो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स भी परचेस कर सकते हो, स्टॉक भी परचेस कर सकते हो, और अगर आप किसी को रेफर करते हो तो 100 रुपये आपको मिलेंगे, 100 रुपये उसे मिलेंगे। ये बस मुझे बोलना था क्योंकि इससे मेरी थोड़ी सी कमाई हो जाती है।
तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी नए आइडिया के साथ आपसे मिलता हूँ।